तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्डेक्स मांगा चैप्टर 8 में हमें पता चला कि हिमावारी उज़ुमाकी के अंदर टेल बीस्ट का चक्रा है, जहां जुरा नरुटो के बीच चक्रा को ट्रेस करते वक्त हिमावारी के सामने पहुंच जाता है, जिसे देख वो बोलता है, यह अजीब है, यह इस दुनिया में क्या चल रहा है। और इसी को देख तुम सबके मन में काफी सारा सवाल आ रहा होगा कि क्या हिमावारी अब एक झिंझुरी की बन चुकी है, क्या कुरामा का चक्रा का कुछ पोर्शन हिमावारी के अंदर भी है, और क्या कुरामा हमारा आगे जाके ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकता है। यहां इन सवालों का जवाब मैं इस थ्योरी में देने वाला हूं, जहां हम सबको पता है कि हिमावारी ही वो है जिसने अपने पेरेंट्स से काफी सारी चीजों को इनहेरिट किया है। जैसे हिमावारी के पास ब्याकुगान और हामुरा का चक्रा है जो उसे मिला है फ्रॉम हर मदर उज़ुमाकी हिनाटा, और वहीं हमारी हिमावारी को टेल बीस्ट का चक्रा और हागोरोमा का चक्रा मिला है फ्रॉम इस फादर उज़ुमाकी नरुटो। और दूसरी तरफ अगर हम हमारे बोरुटो की बात करें तो उसके पास दूर दूर तक कोई भी टेल बीस्ट का चक्रा नहीं है, प्लस उसका ब्याकुगान भी उसने बस एक ही आंख में इनहेरिट किया है जिसे वो अपने विल से एक्टिवेट नहीं कर सकता। और इसी से हमें पता चलता है कि उज़ुमाकी सिबलिंग में से हिमावारी इज द गिफ्टेड वन जिसके पास अभी टेल बीस्ट का चक्रा है। और हां, यहां मैं तुम सबको बता दूं कि किशिमोटो सेंसे ने पहले यह टेल बीस्ट का चक्रा मोड हमारे बोरुटो को देने का सोचा था, पर बोरुटो के डेस्टिनी के चलते उसने नरुटो और हिनाटा के पावर्स और जीन्स को इनहेरिट ना कर हमारे बोरुटो को टोनेरी से जोगान मिला, एक ऐसा आंख दैट इज द स्टार ऑफ होप। और इसका प्रूफ तुम सबको बोरुटो के एनिमे और नोवेल में देखने को मिल जाएगा। प्लस हिमावारी के अंदर टेल बीस्ट का चक्रा होना सेंस भी बनाता है, क्योंकि हमने पहले नरुटो सीरीज में देख लिया था कि कुरामा अपने चक्रा को काफी हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है, जैसे जब हिनाटो के मरते वक्त उसने कुरामा का आधा चक्रा खुद के अंदर सील कर दिया था और दूसरा हिस्सा हमारे नरुटो के अंदर। वहीं अगर हम किनकाकू और गिनकाकू की बात करें तो उनके पास भी कुरामा का चक्रा होता है, जहां ये सब लोग इस चक्र को इंडिपेंडेंटली यूज कर पाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कुरामा वापस नहीं लौटने वाला, क्योंकि हिमावारी के पास उसका चक्रा का कुछ पोर्शन ही है जिससे वो इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती है। और हमें तो मैं ये भी बता दूं कि हिमावारी अब वो बोरुटो बन चुकी है जिसके पास कर्मा नहीं है, जहां आगे जाके हम बोरुटो टू ब्लू वॉर्डेक्स मांगा में देख सकते हैं कि कैसे हिमावारी नरुटो को सरपास करने वाली है बिना उत्सुकी के पावर्स के। Thank you.